तो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ए चुप रहो तुम, हमने सब देखा है, तुम ही ने इसका खून किया है। चलिए हटिए आप लोग, हटिए 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 यहाँ से। किसने मारा इसको? सर इसी ने मारा है। अरे नहीं, मैंने मैंने नहीं मारा है सर। सर हम सबने देखा है, इसी ने मारा है। हिरासत में लो इसको। नहीं सर, चल। सर नहीं, सर मैं कसम खाता हूँ सर, मैंने नहीं किया कुछ भी। मैं डॉक्टर को नहीं मार सकता सर, मैंने नहीं मारा। करण बोल ना, तू जानता है ना मेरे को। मैं सर मैं नहीं मारा है मैंने डॉक्टर को सर। इसको हिरासत में लो। सर हिरासत में क्यों ले सर? एक सेकंड सर, मैंने नहीं मारा सर, मैं कातिल नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इस जगह को सील करो और फोन करके और टीम बुलाओ, बॉडी का पोस्टमार्टम कराना है। तू बताना, बता मैं ये कर सकता हूं। तुम कौन हो, क्या लगते हो इसके? मैं करण श्रीवास्तव हूं, इनकी बहन से मेरी शादी होने वाली है। अरे सर ये भी आई विटनेस है। हाँ बोलो, क्या देखा तुमने यहाँ पर? सर ये क्या बोलेगा, ये तो इसकी पहचान वाला है, हमने ये खून करते हुए इसे देखा है, इसके हाथ में चाकू था। लेकर चलो इसको। अरे सर, सर अरेस्ट करो इसे। अरे सर एक सेकंड आप रुकिए ना, मेरी बात सुनिए सर, मैंने नहीं मारा है, मैं कातिल नहीं हूँ सर। मैं सर डॉक्टर मिश्रा की मैं हेल्प कर रहा था सर, मैंने मारा नहीं है उनको सर, उल्टा इनकी पेशेंट है सर, मेरी रिलेटिव है सर, इनके पेशेंट है। अच्छा ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो डॉक्टर की हेल्प करने के लिए तुम उसके घर आ गए? सर डॉक्टर लीव पे थे तो वो मिल नहीं रहे थे सर, और पेशेंट को सर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत थी, तो मुझे डॉक्टर के घर का एड्रेस मिला, तो मैं यहाँ पे आ गया सर। सर गेट खुला हुआ था, मैं अंदर आया, पूरा अंधेरा था सर, मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी सर। मैं रूम में आया तो सर मैंने देखा डॉक्टर को चाकू लगा हुआ था सर, मेरा यकीन मानिए मैंने नहीं खून किया सर। सर चाकू लगा हुआ था, मैं मदद कर रहा था उनकी, उल्टा मैं तो डॉक्टर के पास लेके जाने वाला था, मैं हॉस्पिटल लेके जाने वाला था सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर मैंने सर जब चाकू निकाला ना सर, तो सर उन्होंने दम तोड़ दिया। मैंने खून नहीं किया सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, मैं आप लोग यकीन नहीं करें सर, मैं तो मदद कर रहा था सर। ये मोटिव था तुम्हारा यहाँ पर आने का, उन्होंने तुम्हें जानकारी दी नहीं होगी इसलिए तुमने उनको मार दिया। मैं डॉक्टर की मदद कर रहा था सर, मैंने मारा नहीं है। करण सुन, तू कुछ बताना, मैंने नहीं मारा है, मैं क्यों मारूंगा? यू खून नहीं कर सकता सर। देखिए कानून सबूत और गवाह देखता है, और फिर इतने सारे आई विटनेस हैं। चाकू तुम्हारे हाथ में था, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलेंगे, और मौकाए वारदात पर तुम इस हालत में हो तो तुम्हें अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ले जाओ। सर मैंने नहीं मारा, करण मैं क्यों मारूंगा, तेरे को पता है ना सर, ये जो बोल रहे हैं ये इंफॉर्मेशन दे सकता था मैं। चलिए करण, आप लोग चलिए अपने। नताशा जी कहाँ चले लव बर्ड्स डेट पर? मैं अभी रेडी हो रही हूँ, शार्दुल और मैं लंच पर जा रहे हैं। ओ, इसीलिए रमन ने अच्छी एक्टिंग की है बीमार होने की। बेचारी इशिता, उसने बिलीव भी कर दिया, उसे ये नहीं मालूम कि वो तुम्हारे साथ आ रहा है। He is शार्दुल, रमन भला नहीं, शार्दुल सिन्हा है वो मेरे पति, तो मैं कितनी बार बताऊं मैं, इसीलिए तो वो इशिता के कंट्रोल में नहीं है, मुझसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। तो नताशा जी मुझे प्रूफ दे दीजिए कि वो रमन नहीं शार्दुल है। फिर देखिए मैं इशिता और उसके परिवार को क्या सबक सिखाता हूँ, जिंदगी भर भूलेंगे नहीं वो लोग। हाँ हाँ मिल जाएगा प्रूफ, पर अभी मुझे तुम रेडी होने दो, मुझे जाना है वरना मैं अपनी ही डेट पे लेट हो जाऊंगी। नताशा जी एक मिनट रुक जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है? रमन शार्दुल को थोड़ा वेट करने दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आप इस बार क्या प्रूफ देने वाली है मुझे? लास्ट टाइम तो आप फेल हो गई थी, आपने जो डीएनए टेस्ट करवाया था उसमें वो रमन ही निकला, इस बार क्या प्रूफ देंगे आप? आई नो सब फेल हो गया था, पर इस बार मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, मैं शार्दुल से सब कुछ बुलवाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, शराब बुलवाने वाली है। वो क्या है ना,
कि शार्दुल से शराब हैंडल नहीं होती है। मैं बस उसे शराब पिलाऊंगी और शार्दुल सब कुछ सच सच बोलने लगेगा, बता देगा कि वो है कौन। मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी और वही हमारा सबूत होगा। नताशा जी, आप जितना सोच रही हो उतना सिंपल शायद ना हो, क्योंकि अगर वो रमन ही है तो आपके इस प्लान में वो कभी नहीं फंसेगा। वो मेरे पति हैं, शार्दुल सिन्हा, और ये बात ना मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे? प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाने दो। इस अरिजीत को तो मैं कुछ भी भूल दे दूंगी। इसे क्या पता कि शार्दुल ने मुझे खुद ही बोला है कि वो मेरा शार्दुल है, और भल्लास को तो वो बस बेवकूफ बना रहा है। बट एनीवेज, यहाँ प्रूफ से किसको क्या लेना देना है, मुझे तो बस शार्दुल का चेहरा चाहिए। सारी पैकिंग हो गई ना? हाँ, और पासपोर्ट रख लिया ना? हाँ, पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। लेकिन नताशा, तुम्हें आज इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ ना तो वो लॉकर हमेशा के लिए सील हो जाएगा। अरे, वो डायमंड्स हमेशा के लिए मेरे हाथ से चले जाएंगे, हमारी प्लानिंग सब पे पानी फिर जाएगा। पर क्या तुम श्योर हो कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा? 100%। मेरा प्लान ये है कि आज मैं शार्दुल की ड्रिंक स्पाइक करने वाली हूँ। जैसे ही उसे शराब चढ़ जाएगी, मैं उसे डायरेक्ट मुंबई ले जाऊंगी। उन भल्लास को तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, शार्दुल गया कहाँ। और वो अरिजीत, अरिजीत को वेट करने दो प्रूफ्स का, वैसे भी बहुत बकबक करता है। अब सुनील, जब मैं यहाँ नहीं होंगी और कोई मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बोलना कि मैं किसी जरूरी काम से मुंबई गई हूँ, ओके? और नो, एक्चुअली तो मैंने बोलना कि तुमने मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी पर अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हो, राइट? और वो कैब का अरेंजमेंट हो गया? सब अरेंजमेंट हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए कैब भी हायर कर दिया है, और तुम्हारा जो सूटकेस है वो भी तुम्हें कैब में मिल जाएगा, और जो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स और डिटेल्स है सब मैंने मेल कर दिया, तुम चेक कर लेना। और पर नताशा, अगली बार हम कब मिलेंगे? बस एक बार ये डायमंड्स मेरे हाथ लगने दो, फिर मैं तुम्हें भी टिकट भेज दूंगी। और वैसे अगली बार हम किसी और ही कंट्री में मिलेंगे। क्या हुआ? मैंने सब प्लान किया हुआ है, तुम बस प्रे करो कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो, बस एक बार वो शार्दुल हमारी पकड़ में आ जाए। काम करती हूँ, गाड़ी यहीं पार्क कर देती हूँ। पता नहीं नताशा और भाई। पापा, वो पापा बाहर क्या कर रहे हैं? और इतने टेंस क्यों लोगे? मजाक करते हो? नहीं नहीं नहीं, वहां मत जा यार। क्यों? नताशा किसी भी मोमेंट आ सकती है, और अगर तू वहां गई तो उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल जाना है। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल कर। कहाँ हो तुम लोग? पापा, हम आपके सामने, हम पार्किंग एरिया में हैं। अच्छा, बाहर क्यों खड़े? और नताशा कहाँ पे है? मैं जल्दी आ गया था, लेकिन वो नताशा अब तक पहुंची नहीं है। घबराहट हो रही थी इसलिए बाहर आके वेट कर रहा था। सुनो भाई, मेरी बात, आप एक्टिंग करो कि जैसे आपको अपनी गाड़ी के पास जाना है पार्किंग लॉट में, और हमारी गाड़ी के पीछे आकर खड़े हो जाओ, वहीं मिलते हैं आपसे। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके ओके। भाई, क्या हुआ है आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों? सिमो, ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे घर जाना है। भाई, लेकिन हम यहाँ पर प्लान बना के आए थे ना नताशा को ट्रैप करने के लिए, तो आप ऐसे लास्ट मोमेंट पे पीछे कैसे हट सकते हो यार? मैं जानता हूँ ये हमारा प्लान था, लेकिन मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, मुझसे ये नहीं होगा। इशिता यहाँ पर नहीं है, और उस नताशा को कोई भरोसा नहीं है, और मुझे पता नहीं ऐसी कोई फीलिंग आ रही है जैसे सब कुछ गड़बड़ होने वाली है। पापा, इट्स ओके, रिलैक्स। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम घर वापस चलते हैं, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। अली, तू क्या? इट्स ओके बुआ, नताशा को ट्रैप करना इतना जरूरी नहीं है, पापा की हेल्थ बहुत जरूरी है। सब मैं अम्मा को फोन कर रही हूँ, घर वापस आ रहे हैं। इसमें आलिया का कॉल है, उठाओ। हेलो आलिया। हाँ आलिया, पहुँच गई तुम वहाँ पे? जी अम्मा, पापा साथ में है, एक बार बात कीजिए उनसे। हाँ, कराओ। हेलो इशिता, इशिता ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज। रमन, क्यों यार? देख, तू मेरे साथ नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और तेरे बिना ये मैं नहीं कर सकता। रमन, अच्छा ठीक है, आप आलिया और सिमी के साथ फिर घर जाओ, मेरी बात कराओ। हाँ, ये लो। जी अम्मा। हाँ आलिया, सुनो, रमन को लेके घर जाओ वापस। जी, आप फोन स्पीकर पे डालो।
मैं जानती हूँ कि नताशा का सच जानना जरूरी है, हमारी फैमिली को कौन बर्बाद करना चाहता है ये भी जानना जरूरी है, लेकिन रमन की हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है ना आलिया। देखो जरूरी ये है कि रमन ठीक रहे, अगर उन्हें ठीक नहीं लग रहा है मतलब इट्स ओके, वी कैन ड्रॉप द प्लान, किसी और दिन करेंगे ये, प्लीज घर लेके जाओ उन्हें। रुको शीता, मैं करूंगा। I will do this. पर पापा आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं लग रही है, इट्स ओके। आलिया मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घबरा गया था, बट नाउ आई एम ओके। भाई आर यू श्योर? सिमो मेरे लिए इशिता, मेरा परिवार, तुम सब बहुत जरूरी है, और तुम सबके लिए मैं कुछ भी करूंगा। I will do this. Are you sure, Raman? मैं श्योर हूँ इशिता, तुम बस काम पे ध्यान दो, मैं इस नताशा को देख लूंगा। ओके अम्मा, रिलैक्स इशिमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब चलते हैं, कहीं उस नताशा ने हम सबको देख लिया तो गड़बड़ हो जाएंगे। चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।